नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की बात YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमित भारद्वाज, आपके लिए लेकर आऊं एक नए ज्ञान की बात फिर से आज। तो आइए शुरू करते हैं ज्ञान की 100 बातें। जीवन में वही व्यक्ति असफल होते हैं जो सोचते हैं पर करते नहीं। भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो। सफलता का आधार है सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास। आओ मिलकर खुशियां बांटें। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब हम कामयाब होने लगते हैं। छोड़ दो किस्मत की लकीरों पे यकीन करना, जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है। यदि हार की कोई संभावना ना हो तो जीत का कोई अर्थ नहीं है। जिनको सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है, और जिनको सपने पूरा करना अच्छा लगता है उनको दिन छोटा लगता है। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, पर आप अपनी आदतें बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। एक सपने के टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले को ही जिंदगी कहते हैं। वो सपने सच नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं, सपने वो सच होते हैं जिनके लिए आप सोना छोड़ देते हैं। सफलता का चिराग परिश्रम से ही जलता है। जिनके इरादे बुलंद हों वो सड़कों की नहीं वो आसमानों की बात करते हैं। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। मैं तुरंत नहीं लेकिन निश्चित रूप से जीतूंगा। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। आशावादी हर आपत्तियों में भी अवसर देखता है, और निराशावादी बहाने ढूंढता है। आप में शुरू करने की हिम्मत है तो आप में सफल होने के लिए भी हिम्मत है। सच्चाई वो दिया है जिसे अगर पहाड़ की चोटी पर भी रख दो तो बेशक रोशनी कम करे पर दिखाई बहुत दूर से भी देता है। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस पर जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। खोए हुए हम खुद हैं और ढूंढते खुदा को हैं। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, और नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। भाग्य को और दूसरों को दोष क्यों देना, जब सपने हमारे हैं तो कोशिशें भी हमारी ही होनी चाहिए। यदि मनुष्य सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल उसे कुछ ना कुछ सिखा देती है। झूठी शान के परिंदे ही ज्यादा फड़फड़ाते हैं। तरक्की के बाज की उड़ान में कभी आवाज नहीं होती। समस्या का सामना करें भागे नहीं, तभी उसे सुलझा सकते हैं। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से कतराना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता है। सुंदरता और सरलता की तलाश चाहे हम सारी दुनिया घूम के कर लें, लेकिन अगर वो हमारे अंदर नहीं तो फिर सारी दुनिया में कहीं नहीं है। ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से कोई होड़, मेरी अपनी मंजिलें, मेरी अपनी दौड़। ये सोच है हम इंसानों की, एक अकेला क्या कर सकता है, पर देख जरा उस सूरज को, वो अकेला ही तो चमकता है। लगातार हो रही सफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। जल्द मिलने वाली चीजें ज्यादा दिन तक नहीं चलती,
और जो चीजें ज्यादा दिन तक चलती हैं वो जल्दी नहीं मिलती हैं। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वह बड़ी बड़ी बातें करने लगे, बल्कि समझदार तब होता है जब वो छोटी छोटी बातें समझने लगे। सेवा सभी की करना मगर आशा किसी से भी ना रखना, क्योंकि सेवा का वास्तविक मूल्य नहीं दे सकते। मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा सहारा है उम्मीद, जो एक प्यारी सी मुस्कान देकर कानों में धीरे से कहती है सब अच्छा होगा। दुनिया में कोई काम असंभव नहीं होता, बस हौसला और मेहनत की जरूरत होती है। वक्त आपका है, चाहे तो सोना बना लो और चाहे तो सोने में गुजार दो। दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी, आपकी राय से नहीं। बदलाव लाने के लिए स्वयं को बदलें। सफल व्यक्ति लोगों को सफल होते देखना चाहते हैं, जबकि असफल व्यक्ति लोगों को असफल होते देखना चाहते हैं। घड़ी सुधारने वाले मिल जाते हैं, लेकिन समय खुद सुधारना पड़ता है। दुनिया में सब चीजें मिल जाती हैं, केवल अपनी गलती नहीं मिलती। क्रोध और आंधी दोनों बराबर हैं। शांत होने के बाद ही पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ। चांद पे निशान लगाओ, अगर आप चूके तो सितारों पे तो जरूर लगेगा। गरीबी और समृद्धि दोनों विचार का परिणाम है। पसंदीदा कार्य हमेशा सफलता, शांति और आनंद ही देता है। जब हौसला बना ही लिया ऊंची उड़ान का, तो कद नापना बेकार है आसमान का। अपनी कल्पना को जीवन का मार्गदर्शक बनाएं, अपने अतीत को नहीं। समय न लगाओ तय करने में आपको क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन कर लो कि इस दुनिया में तुम्हें कोई भी तोड़ नहीं सकता। कल्पना के बाद उस पर अमल जरूर करना चाहिए। सीढ़ियों को देखते रहना ही पर्याप्त नहीं है, उन पर चढ़ना भी चाहिए। हमें जीवन में भले ही हार का सामना करना पड़ जाए, पर जीवन से कभी नहीं हारना चाहिए। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। हजारों मील के सफर की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। मनुष्य वही श्रेष्ठ माना जाएगा जो कठिनाई में अपनी राह निकालता है। पुरुषार्थ से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। प्रतिबद्ध मन को कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, पर अंत में उसे अपने परिश्रम का फल अवश्य मिलेगा। जो असंभव समझे जाने वाले कार्य संभव करके दिखाए, उसे ही प्रतिभा कहते हैं। आने वाले कल को सुधारने के लिए बीते हुए कल से शिक्षा लीजिए। जो हमेशा कहे मेरे पास समय नहीं है, असल में वह व्यस्त ही नहीं है, बल्कि अस्त व्यस्त है। कठिनाइयां मनुष्य के पुरुषार्थ को जगाने आती हैं। क्रोध वह हवा है जो बुद्धि के दीप को बुझा देती है। आपका भविष्य उससे बनता है जो आप आज करते हैं, उससे नहीं जो आप कल करेंगे। बन सहारा बेसहारों के लिए, बन किनारा बेकिनारों के लिए। जो जिए अपने लिए तो क्या जिए, जी सको तो जियो हजारों के लिए। चाहे हजार बार नाकामयाबी हो, कड़ी मेहनत और सकारात्मक सोच के साथ लगे रहोगे तो अवश्य सफलता तुम्हारी ही है। खुद की तरक्की में इतना समय लगा दो कि किसी और की बुराई का
वक्त ही ना मिले। प्रगति बदलाव के बिना संभव है, और जो अपनी सोच नहीं बदल सकते वो कुछ भी नहीं बदल सकते। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी और सफलता दोनों ही मिलेंगी। पराजय तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं, पराजय तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं। मन बुद्ध जैसा और दिल बच्चों जैसा होना चाहिए। अगर भरोसा ऊपर वाले पे है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, मगर भरोसा अगर खुद पे है तो वह वही लिखेगा जो आप ही चाहोगे। कोशिश करने की हिम्मत ना होनी, यही अर्थ में निष्फलता है। अतीत के गुलाम नहीं बल्कि भविष्य के निर्माता बनो। सफलता हमारा जन्मसिद्ध हक है और इसे पाने के लिए हमारा जन्म हुआ है। सफलता तो आप द्वारा सोचे गए विचार का अंतिम परिणाम है। अधूरी जानकारी डर का कारण है और पर्याप्त समझ निर्भयता लाती है, यानी कि हमारे डर को दूर भगाती है। हमेशा लक्ष्य के साथ रहने वाले लोग सफल होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कहां जाना चाहते हैं। अच्छा परिणाम चाहते हो, फिर अच्छे विचार करो। सपने देखने और नए लक्ष्य रखने के लिए आप कभी उम्रदराज नहीं होते हैं, यानी कि आप कभी बूढ़े नहीं होते हैं। जमाना जब भी मुझे मुश्किल में डाल देता है, मेरा रब हजारों रास्ते निकाल देता है। बार बार विफलता मिले तो निराश मत हो। महान वैज्ञानिक एडिसन सफल होने के पहले 10,000 बार विफल हुए थे। प्रत्येक विफलता में लाभों के बीज होते हैं। जी हाँ, असफलता में ही सफलता छिपी होती है। जो लोग संघर्ष से नहीं कतराते, जीत हमेशा उन्हीं की होती है। विजेता होने के लिए आवश्यक है स्पष्ट लक्ष्य और इसे प्राप्त करने की प्रबल इच्छा। असफलता की चिंता मत करो, बल्कि बिना कोशिश किए खोए अवसरों की चिंता करो। समस्याओं से मत डरो, वे आपको तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। अगर आप पराजय से कुछ सीखते हैं तो पराजय भी आपका कुछ नुकसान नहीं कर सकती। भाग्य के भरोसे बैठे रहने वाले आलसी हमेशा पराजय को ही गले लगाते हैं। असफलता केवल यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयत्न पूरे मन से नहीं हुआ। बिना तय मंजिल के राह पर भटकना व्यर्थ है। चुनौतियों को चुनौती दो तो वह डराना बंद कर देगी। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। जीवन दिन काटने के लिए नहीं, कुछ महान कार्य करने के लिए है। कठिन समय की चुनौती केवल धैर्य और हिम्मत से जीती जा सकती है। अगर आप असफल होंगे तो शायद आप निराश ही होंगे, लेकिन आप कोशिश ही नहीं करोगे तो आप गुनाहगार भी होंगे। छोटे छोटे परिवर्तन ही बड़े बदलाव की नींव रखते हैं। क्यों डरें जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा। बढ़ते रहे मंजिलों की ओर, हम कुछ भी ना मिला तो क्या, तजुर्बा तो नया होगा। सफलता साहस पूर्वक काम करने वाले के पास जाती है, यह कायरों के पास नहीं जाती है। सामना करने से ही समस्याओं का समाधान मिलता है, ना कि उनसे भागकर। 9वीं ज्ञान की बात, समस्या का नहीं समाधान का हिस्सा बने।